नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं, डीडी कल्याणी साहब, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। कल्याणी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले एसएम न्यूज़ का स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि जगह जगह पर जाकर अपने सीमित साधनों में मतलब इतना बड़ा काम करते हैं। सबसे पहले आपके इतने बड़े काम को, आपके संघर्ष को सलाम है और प्रणाम है। धन्यवाद कल्याणी साहब। अधिकतर आपकी वीडियोस में देखने में आता है या अधिकतर मंचों पर आप बोलते हैं, वो बाबा साहब की कौन सी स्टोरी थी जिसके अंदर बाबा साहब अपने ही समाज के पीछे डंडा लेके भागे थे, वो क्या था, जरा उसका वाक्य हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ये जो सच्चाई है, मैं इसको बताता हूँ कि डीके खापड़े साहब जो जन्मदाता है बामसेफ के, उन्होंने इसको लिखित में भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं, मैं छोटा था तो मैंने देखा कि पुणे में बाबा साहब अंबेडकर आ रहे हैं, तो मैं सर्किट हाउस में पहुंच गया, सरकारी बंगले में जहां सर्किट हाउस था पहुंचा, तो मैं सोचा कि मैं जल्दी जा रहा हूं तो बाबा साहब के दर्शन करने हैं। कहते मैं देखा कि मैंने जब एक दीवार पे फांद ऊपर चढ़ के देखा तो लोग जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे बैठे हुए हैं और लोग चरण वंदना कर रहे हैं, और जब चरण वंदना कर रहे हैं तो बाबा साहब के हाथ में डंडा पकड़ा था, तो डंडा उनको मार रहे हैं। तो वहाँ जो आरएसएस का पेपर है वो उसका एडिटर वहाँ था, संपादक वहाँ था, वो कहते बाबा साहब मुझे आप ये बताइए कि आपके जो अनुयायी हैं वो आपके पाँव छू रहे हैं, तो इतना उनकी श्रद्धा है, वो आप उनको डंडा मार रहे हैं। तो उसने उस पत्रकार को बोला, जरा बैठ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। कहना मेरे समाज के लोग, इनको आदत पड़ी हुई है कि हर एक की चरण वंदना करते हैं, जो चरण वंदना करते हैं वो नौकर होते हैं, दास होते हैं। मैं इनको समझाता हूँ कि किसी की चरण वंदना मत करो, चरण वंदना करने से आप दास ही बनोगे, गुलाम बनोगे। ये मंदिरों में जाके अपना माथा टेकते हैं, असल में माथे का अर्थ है कि माथे इस दिमाग से काम लो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग लोगों के पाँव में, चरणों में नहीं पड़े, इस देश के शासक बने। और जो शासक बनता है सबसे पहले उसके अंदर मान सम्मान की भावना होती है। मैं चाहता हूँ अपने लोगों के अंदर मान सम्मान की भावना पैदा करूँ और चरण वंदना बंद करो। भारत के अंदर जो चरण वंदना का जो ये कंसेप्ट है, इसको बढ़िया कहा गया है, बड़ों की चरण वंदना करो। किसी भी धर्म में अगर मुसलमान है वो कहता है सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, उसका अर्थ है कि तू सलामत रहे, तो आगे से उत्तर देता है, अरे भैया तू भी सलामत रहे। और ऐसे ईसाई धर्म के अंदर भी बराबरी है, आप शेक हैंड करते हो वो भी शेक हैंड करता है। यहाँ एक आदमी चरण वंदना करता है, दूसरा आदमी ऊपर से कहता है जिंदा रहो, सलामत रहो, इस तरह की बात करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसके विरोध में इसलिए थे, एक नीचे है एक ऊपर है। चरण वंदना का जो संकल्पना है, असमानता की संकल्पना है, और असमानता की कल्पना जो है हमें आगे नहीं ले जा सकती। इसलिए वो चाहते थे मेरा समाज शासक बने, और शासक जो है उसके हाथ में हुकूमत का डंडा, शासक का डंडा होना चाहिए, ना कि चरणों में पड़ना चाहिए। आप थे हमारे साथ डीडी कल्याणी साहब, जिन्होंने कितनी सरलता से बताया कि बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर हमेशा अपने लोगों को सत्ता की तरफ लेके जा रहे थे, बुद्धिजीवी की तरफ लेके जा रहे थे। और चिंतक हैं हमारे समाज के कल्याणी साहब, जो हमेशा चिंता करते रहते हैं और ढेर सारे मंचों पर जाते हैं और बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं। आपने हमारे चैनल से बात करी कल्याणी साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।